हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, और सियासा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। तो जी, अभी है ना, आज मैंने कढ़ी चावल बनाए हैं और बढ़िया रोटी वाले बनाई है। बिल्कुल टॉप लगे हैं मुझे कढ़ी, एकदम मैंने खा ली है। और आज सुबह सुबह ना क्या हो रहा था कि बारिश आ रही थी, जब कन्नू के स्कूल जाने का टाइम था, तो इसकी वैन तो निकल गई है। अभी ये फिलहाल तो पीछे खेल रहा था टैंक में बढ़ के, और अभी कोई हमारे घर बाहर से आ गया था। हमने बोला कि चलो इनके स्कूल से आ गया है कन्नू को लेने के लिए, इनके साथ भेज देंगे कन्नू को स्कूल। तो फटाफट अपनी किताब उठा के बैठ गया और फोन उठा के बैठ गया और ABCD लगा लिया और पढ़ने लगा। बोल रहा है कि मैं देखो यहीं पढ़ रहा हूँ, स्कूल नहीं जाऊँगा। तो इसने पढ़ाई करके सुबह सुबह सुना दी है और डर की वजह से पढ़ाई शुरू कर दी है, और उनके जाते ही फिर लग गया खेलने के लिए। आपको दिखाते हैं किस तरह से खेल रहा था। और अभी मौसम ठीक हो गया है तो मेरा ड्यूटी जाने का टाइम भी हो गया है। तो चलिए जी, मैं तो चलता हूँ अपने ऑफिस, और तब तक इनके साथ बने रहिए आप वीडियो में। और जी, जैसे ही मेरा पढ़ाने का टाइम हुआ है, कन्नू यहाँ से गायब हो गया है। फैन बंद करके ये दोनों के दोनों चले गए यहाँ से, और उसको पता था कि अब मुझे मम्मी पढ़ाएंगी, तो है ना, मेरे से पहले ही भाग गया अपनी ताई जी की तरफ। तो अभी उसको लेने के लिए जाती हूँ और लेकर के आती हूँ। बस ये अभी है ना, कन्नू को ऊपर छत पे जाने की जल्दी हो गई है और हम जा रहे हैं ऊपर छत पे। ये देखिए, चलो चलो कर रहा है, और गिलास ही ले लिया इसके लिए, कल मैंने ओक से पानी पिलाया इसको बार बार। चलो चलो, ये कन्नू कितना खुश है ऊपर जाने के लिए छत पे, और मैं भी जा चल रही हूँ। चलो 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 भाई, चलो पानी भी अपने साथ साथ ले लिया इसने, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ज़्यादा तेज़ तूफान तो नहीं है अभी, क्योंकि बारिश में सारी सारी धूल मिट्टी जो है दब गई है, और ऊपर छत एकदम साफ सुथरी हो गई है, यानी बेहतरीन हो गई है। यहाँ पे आने के बाद है ना, AC भी फैला है, और मेरे दोनों भाई अक्षित और कन्नू वहाँ पे खेल रहे हैं, और नीम की छांव हो रही है यहाँ पे, धूप नहीं है बिल्कुल भी। मैंने क्या कहा था आपको, जल्दी प्यास लग जाएगी, इसीलिए मैं गिलासी भी लाई हूँ और पानी भी लाई हूँ। ये रही आपकी गिलासी, उठाओ, और ये रहा पानी, ठीक है। मम्मी आपकी प्यासी हो। ओए ओए ओए, कितना जोर पड़ रहा है ये बात बोलते हुए भी। बस इतना ही पियोगे? कभी शांत माहौल, और कभी बहुत ही अच्छी अच्छी हवाएं चल रही है, और कभी बिल्कुल शांत हो जाता है एकदम से। सुन, एकदम शांत, और फिर हवा चलने लगेगी। ये आ रही है हल्की हल्की सी मंद मंद हवा, टटीरी इधर। ऐसी मिट्टी नहीं बनती बेटे, इस मिट्टी के बर्तन नहीं बनते। मिट्टी के बर्तन बहुत मुश्किल से बनते हैं, और वो भी बिल्कुल बारीक बारीक मिट्टी बनानी पड़ती है।
इस मिट्टी के बर्तन नहीं बनेंगे कन्नू, मम्मी बना दो। इस मिट्टी के बर्तन बोल रहा है यही वाली अच्छी लगती है। चलो मैं इसकी मिट्टी के बर्तन बनाऊंगी कल, अभी नहीं बनेंगे, आज नहीं बनेंगे। आज सारी सारी मिट्टी यहाँ पे इकट्ठी करोगे क्या? ये तो मेरे हिसाब से नहीं उठने की, मम्मी नीचे ले लो, बहुत भारी मिट्टी है। मम्मी चलो मिट्टी के बर्तन बनाने की जिद लग गई आज कन्नू को मिट्टी देख करके, और बनाऊंगी एक दो दिन में इसके लिए, क्योंकि मेरे से ज्यादा देर बैठा नहीं जाता है। ठीक है, क्यों मैं बड़ी वाली क्यों पकड़ूं? बड़ी हो। और आप? छोटा हूं। और वैसे सबसे बड़े हो जाते हो, अगर कुछ काम करवाना होता है तो आप छोटे हो जाते हो, अगर कुछ मतलब खेलना होता है तो आप बड़े हो जाते हो, है ना? अच्छा उठाऊ मैं। शाम का समय हो गया, बारिश आने के बाद इस पौधे में है ना जो व्हाइट व्हाइट सा मैंने कल आपको दिखाया था, और ये है ना बिल्कुल हरा भरा हो गया है, एकदम मुरझा मुरझा सा हो गया, बिल्कुल बेकार हो गया था ये पौधा, और बारिश आने के बाद इसमें फिर से हरियाली आ गई, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज। और ये वाला पौधा तो मुझसे भी ऊपर निकल गया जब लाए थे इसको, इतना सा था बस, इतना सा एक ब्लैंक पौधा था, और फिर समय गया, मैं पानी नहीं आया आज क्योंकि ये छाया में है, और ये भी हरियाली बहुत अच्छी, ये वाला पौधा भी एकदम खिला होगा। कन्नू ऊपर से मिट्टी उठा करके लेकर के आ गया है, और ये कह रहा है मम्मी मेरे तो हाथ दुख गए। बेटा इसको छोड़ दो, आप मिट्टी में पानी डाल दिया है, ये एक दो दिन में अपने आप गल जाएगी, ठीक है, हैंड वॉश कर लो आप। अभी मिट्टी के बर्तन बेटा आपको तो अभी एकदम से सारी चीज एकदम से ही चाहिए, ये लेकिन एकदम से नहीं बन पाती है कुछ भी चीज, ठीक है, वो तो एक दो दिन लगेंगे, दो तीन दिन लगेंगे मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए, ठीक है, आप मान जाओ, मान जाओ कन्नू। चलो हैंड वॉश कर लो आप पहले। ये देखिए जी, अभी कन्नू के पापा का आने का टाइम हो गया, और लौकी मंगाई है क्योंकि उनके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दो दिन से, और मैंने बोला था कि डॉक्टर के पास चले जाना, फिर ये कहने लगे कि टाइम नहीं लगा ड्यूटी से जाने के बाद में, और अभी मैं लौकी बना देती हूँ। मैं सोच रही थी कि भेदड़ी बना दूँ, पर लेकिन मैं भेदड़ी खाती नहीं है, लौकी की सब्ज़ी तो खा लेते हैं कभी कभी, तो अभी उनके लिए बनानी है लौकी, और हमारे लिए रखी है कढ़ी क्योंकि हम कढ़ी खाएंगे, मुझे तो कढ़ी बहुत पसंद है, मैं एक दो दिन आराम से कढ़ी खा लूँगी। और उधर रख दिया मैंने दूध, दूध गर्म होने लग रहा है, और इसको चलाती रहूँगी नहीं तो लग जाएगा ये देखिए दूध, इधर एक पॉइंट पे करती हूँ, और फिर भी इसकी अन्न जो तली है वो बहुत ही हल्की हो गई है मेरे फ्राई की, और दो किलो दूध है ये, और इसको गर्म करना है, और थोड़ी देर कड़ाना भी है क्योंकि इसमें मलाई अच्छे से आ जाएगी तो वो अच्छे से उतर जाएगी। दूध अभी मिलेगा थोड़ी देर में, पहले आप आइसक्रीम ऐसे ऐसे बना लो, बना लिया आपने आइसक्रीम? इसमें मैं ही जमाऊंगी आइसक्रीम, आपको नहीं जमानी है, ठीक है, और मैं ही बनाऊंगी, और मैं ही आपको निकाल के दूंगी कल, ठीक है, अब जमाऊंगी और सुबह को बन जाएगी वो, कल को कल है ना छुट्टी भी है, कौन कह रहा था? आपकी तो हमेशा ही छुट्टी रहती है बेटा, आज भी छुट्टी थी है ना, कल भी छुट्टी है, और मम्मी शाम को जाना है, शाम को जाते हैं स्कूल में, कोई शाम को जाना है नहीं जाना है, शाम को तो कोई भी नहीं जाता है। और बताओ आप लौकी खाओगे? आप लौकी ओ मेरे बिंदी उतार दी, कल से तो सारी छुट्टी पड़ जाएगी, कल को तो हमारा हॉलीडे होमवर्क मिल जाएगा, और कल को तो हमारी जल्दी छुट्टी हो जाएगी। अरे वाह, और कन्नू कल को तो हम जाएंगे कार में बैठ के, यार थोड़ा सा मैडम वर्क करावेगी, ये बस एक ही पीरियड चलेगा, हमारे स्कूल में बहुत सारी बैल लगे हैं ना, लगाए ना तो बस एक ही बैल लगेगी। कन्नू का स्कूल तो गंदा है, मेरे स्कूल में भी यही जा रहा है।
और उसी में ना एक ही पीरियड चलेगा, कल चलिए है भी। फिर परसों तो थाली, कल से थाली छुट्टी पड़ जाएगी। छुट्टी फिर मामा के यहाँ जाएंगे। जाओगे? सच्ची पक्का प्रॉमिस? सच्ची कल को हमारे फोन पे सच्ची मैसेज आया कि एलकेजी से लेके सिक्स तक के बच्चों को होलीडे होमवर्क मिल जाएगा कल को। अच्छे से वो पे देगा भेजना फिर। हाँ। और ये देखिए जी कन्नू को, कन्नू फिर से आज फिर फ्लावर पॉट में लग गया है। और मैं किचन में से आई थी यहाँ पे देखने लगी तो अकेला ही यहाँ पे खेल रहा है। ये नहीं निकलेगा क्योंकि मुझसे भी नहीं निकला है। बाबू रहने दो, रहने दो कन्नू इसको, बेटा नहीं निकलेगा, ये मैंने फिट किया हुआ है। ये टूटेगा नहीं, ये छूटेगा नहीं, ये लकड़ी का है, अगर कांच का होता है बहुत जल्दी टूट जाता। और यहाँ पे संजय दीदी का फोन आ रहा है, मम्मी बातें कर रही है, वहाँ पे हमारे किचन में सब्जी बनने लग रही है। मुंह में से हाथ निकाल ले। A4 चलो यार दुगी, पड़े आज ही इकलौती मार गए। A4 उंगली रख लें चुपचाप। A4 एप्पल, B4 बॉल, C4 कार, B4 बुक, E4 एलिफेंट, F4 हेड, G4 करेज, हैंड, I4 आइसक्रीम, J4 जंप, K4 टाइम, L4 गोल, M4 मैंगो, N4 मैंग, O4 ऑरेंज, P4 Q4 Queen, R4 Land, S4 Hand, S4 Is Moon, T4 Tiger, Y4 U4 Umbrella, B4 Van, W4 What, X4 Akimax, Y4 Yak, Z4 Gabra, Gabra, Gabra। अभी आपने सुन लिया होगा जब कन्नू को गुस्सा आ जाता है तो कन्नू गुस्से में इस तरह से पड़ता है, और जब तक इसे गुस्सा नहीं आता है जब तक ये करता है खिलंदरी और खेल। और बाकी चीज़ इसकी मम्मी बताएगी क्योंकि आजकल इनको ये पढ़ा रही है। तो जी बॉबी जी आप बताइए जरा कैसे कैसे पढ़ता है ये। मैं ना कन्नू मेरे साथ में अकेला होता है तो ये पढ़ लेता है आराम से। अभी इसके पापा भी है और माँ जी भी है तो ये मस्ती के मूड में है थोड़ा सा, तो इसीलिए ये है ना थोड़ा लाड़ में आ रहा जाता। नहीं तो जब है ना मैम वाली पोजिशन होती है मेरी और इसकी स्टूडेंट वाली होती है ना फिर इसका चेहरा देखने लायक होता है। और ये क्या है? बर्गर, B4 आइसक्रीम, ये रही आइसक्रीम, I4 आइसक्रीम, F4 फ्लावर, G4 जिराफ, ये रहा जिराफ। हाँ ये तो जिराफ होता है बेटा, इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिया हुआ है, बच्चे के अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इस बुक में। उधर तो पढ़ाई चल रही है कन्नू की और कन्नू की मम्मी की, दोनों की आपस में पढ़ाई चल रही है और माँ भी उनके पास में बैठ के कुछ सीख रही है। मुझे के साथ ABCD और ऐसे अनार माँ भी सीख रही है ना। और फिर कन्नू ने प्रॉमिस कर रखा है कि मैं पिताजी को भी सिखा दूंगा जब मुझसे अच्छे से आ जाएंगे, तो पिताजी भी तैयार हैं सीखने के लिए फिर से ABCD और ऐसे अनार। तो जी अभी मैं पापा के पास आया था और ये TV देख रहे थे, आपने देख ही लिया, बिल्कुल पास से खड़े होकर देख लेते हैं, आवाज़ थोड़ी सी तेज़ करके समझ में अच्छे से आ जाता है पिताजी के, ऐसी बात है क्या? है ना, और दूर से बैठ के तो दिखाई नहीं देता, बहुत ही पास जाके देख लेते हैं। पिताजी की आँखें तो ठीक है पिताजी आपकी? ठीक है, कम दिखता है। एक आँख से कम दिखता है? अच्छा, चश्मा बनाया था आपने? चश्मा तो लगाते नहीं आप? लगाया भी लगाए ना चश्मा कभी? बनवा लिया, लगाया में रखा था, बनवा लेते थे पर लगा देते। और मामी की भी दोनों आँखों का ऑपरेशन हो चुका है और उनको बिल्कुल सही दिखता है दोनों आँखों से। एक जो आँख है वो दूर की उसमें लेंस डला था और एक में डलवाया था पास का, तो उन्हें चश्मे की ज़रूरत कम पड़ती है, बिना चश्मे के सही दिख जाता है और कहीं इधर उधर जाते हैं तो चश्मा लगा भी लेती है। हाँ धागा डाल लेती है सुई में मम्मी जी। तो चले जी अपनी वीडियो का हम यहीं पर एंड कर देते हैं और जल्दी मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।